क्या आप मोदी सरकार की प्रगति स्कीम के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानकारी लीजिए और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई को आर्थिक तंगी के कारण ना रुकने दें। इस स्कीम के तहत सरकार उन मेधावी बेटियों को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है जो तकनीकी शिक्षा हासिल कर रही हैं। सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय लड़कियों की तकनीकी शिक्षा पर जोर दे रहा है। मंत्रालय ने इसके लिए प्रगति स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को हर साल 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें 30,000 रुपए ट्यूशन फीस के तौर पर दिए जाएंगे और 20,000 रुपए दूसरे खर्चों के लिए दिए जाएंगे। नई स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को हर साल यह स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी। हर साल 4,000 बेटियों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलेगा। इसमें 2,000 डिप्लोमा कोर्स के छात्राओं के लिए और बाकी के 2,000 डिग्री कोर्स के छात्राओं के लिए होगी। AICTE से मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने वाली लड़कियों को ही ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसी प्रोग्राम के डिग्री या डिप्लोमा में योग्य उम्मीदवार के नहीं मिलने की कंडीशन में स्कॉलरशिप किसी दूसरे प्रोग्राम की डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को दी जा सकती है। किसी एक परिवार की 2 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन इसके लिए लड़कियों के परिवार की सालाना आय 8,00,000 रुपए से कम होना चाहिए। मेरिट लिस्ट के आधार पर यह तय होगा कि किन छात्राओं को यह छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। AICTE से मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की मेरिट लिस्ट ली जाएगी। स्कॉलरशिप में 30,000 रुपए की रकम ट्यूशन फीस के तौर पर दी जाएगी और 10 महीने तक 2,000 रुपए दी जाएंगे। इसमें आरक्षण भी लागू होगा। अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और OBC उम्मीदवारों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपके आसपास जितने भी लड़कियां रहती हैं उन सब के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए V4 Innovative को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।